रिया बड़ी उपखंड के ग्राम पादुखुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ग्राउंड में 2023 का 5 दिवसीय राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ स्कूल खेल मैदान पर सरपंच रामनिवास चौधरी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य गंगाराम लटियाल ने की। कार्यक्रम अधिकारी पीटीआई रेखचंद तेल ने उपस्थित अतिथियों ने माँ सरस्वती चित्र के समक्ष दीप जलाकर व ध्वजारोहण कार्यक्रम का श्री गणेश करवाया। वही अतिथियों का सम्मान कर ध्वजारोहण कर खेलों का आगाज किया गया। उद्घाटन मैच रस्साक्षी खेल से करवाया गया, जिसमें 324 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। पीटीआई रेखचंद तेल ने मुख्य अतिथि सरपंच रामनिवास चौधरी ने महिला वर्ग के रस्साक्षी खेल से इस आयोजन की शुरुआत करवाई। वे सरपंच चौधरी ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने की शपथ दिलाए और ओलंपिक खेल की शुरुआत की। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ हनुमान घाची, रामचंद्र घटियाला, नरेंद्र ट्रेलर, रामप्रकाश हनुमान रोज, सोहनलाल परासरिया, सत्यनारायण मोहनलाल, प्रेम प्रकाश, बाबूलाल माली, चुका देवी साला स्टाफ सहित खिलाड़ी ग्रामीण रहे मौजूद। सरपंच चौधरी ने उपस्थित जनसमूह एवं खिलाड़ियों को कहा कि ऐसे आयोजन से विद्यार्थी जीवन में ही मैत्री भाव बढ़ता है, वही प्रतिभागियों में प्रतियोगिता करने का हौसला भी बनता है, जो छात्र जीवन से ही शुरू होता है और पूरे जीवन भर रहता है। इसी दौरान कार्यक्रम अधिकारी गंगाराम ने विद्यार्थी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेलों से शारीरिक विकास तो होता ही है, वही एक दूसरे का परिचय के साथ सामान्य संबंधी बनता है, जो सामाजिक जीवन में अति आवश्यक है। उन्होंने खिलाड़ियों को आगाह किया कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, ईर्ष्या से नहीं। मंच संचालन बलदेव राम खंडोलिया ने किया। सरिता गोदार कैप्टन रसक रसकसी टीम बादुगुड़ सोनोडंगा कैप्टन फुटबॉल टीम जोर बोल जोर बोल ले रो आप बहुत ही बढ़िया जी। राज्य सरकार की बजट योजना 2023-24 संख्या 43 की अनुपालना में ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता 2023 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में भाग ले रहे सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। विद्यालय से संयोजक गंगाराम जी, अध्यापकगण आपके में फिट राजस्थान, फिट राजस्थान। तो खेल का महत्व है, आज से नहीं आदि जमाने से। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो नियमित रूप से व्यायाम करना है, खेलना है। खेल से दो तरह की दक्षताएं हासिल करते हैं हम। हमारा बौद्धिक और मानसिक विकास होता है, साथ ही साथ शारीरिक क्षमता में भी विकास होता है। इसी के
प्रायोजन में सरकार ने ये इन खेलों का आयोजन करवाया है और मैं आशा करता हूं कि हमने अभी शपथ ली है, उन शपथ के अनुसार नियमों के अनुसार हम खेल भावना से खेल को खेलेंगे। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।